नमस्कार अर्गस न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। दर्शक बंधु आमे वर्तमान विकास रो भातहांडी को किभली धोखा दिया जायछि से बाबद रे आलोचना करबा। आपनकर दानवमाची घटना मने थिबो निश्चय किभली भाबरे पत्नी रो शव को कांध रे बोही नै जायथिले दानवमाची। जो घटना पूरा विश्व रे निंदित होइथिला एवं कलाहांडी रो असल चित्र सामना को आसीथिला। तापर मुख्यमंत्री भित्तिप्रस्तर स्थापन कले वेदांत सहित चुक्ति हला मेडिकल कॉलेज पई एवं जेतले मुख्यमंत्री निजे भित्तिप्रस्तर स्थापन कले एवं काम आगेला लागिला हुए तो वर्तमान कलाहांडी रो ए चित्र आ देखिबा को मिलिबो नाही। विकास रो असल चित्र लोकमान को देखिबा को मिलिबो किंतु से स्वप्न मध्य भांगी जाई छी। जो काम चलितला से काम अधारे अटकी जाई छी। काहे के स्वास्थ्य सेवा को गुरुत्व दिया जाउनी वर्तमान परिप्रेक्षी ए बाबद रे आलोचना करबा हमर प्रतिनिधि जसवंत सिधासळक मो सहित जोडी होचंती। जसवंत आमे जदि देखिबा कलाहांडी को विकास मॉडल भाबरे घोषणा करबा पई राज्य सरकार चेष्टा करथिले एवं जहां सूचना रहिची जे डेढ़ मास न पूर्ण सरकार वेदांत मेडिकल कॉलेज कामरे पूर्णच्छेद टाणीचंती। आमे जानी परबु की कोन कारण रही थाई परिची या पछरे प्रशासनिक अधिकारी माने सिधासळक भाबरे किछि प्रतिक्रिया रखिचंती कि आपन को सामने रे। निश्चित भाव में स्मृति लग्न देखत कलाहांडी जो स्वास्थ्य व्यवस्था को आखि आगर रखिक प्रथम कलाहांडी जिलार जो सरदार राजा मेडिकल प्रथम से जो मेडिकल कॉलेज तैयारी सेठ पिला रे पाठ पढ़े और जो स्वास्थ्य सेवा से लोक मैंने बोल कि जो सरदार राजा मेडिकल कॉलेज करते सेलभम चैरिटेबल ट्रस्ट और डब्ल्यू डी सी रु मिलित उद्यम से कलेज करा किंतु वर्तमान जेहेतु सेठिकार अनेक गुड़े समस्या रहा से ठीक भाव से पिला पाठ पढ़ी पारे ना कलाहांडी जिलार लोक से ठीक भाव स्वास्थ्य सेवा पाई जहाँफल कि से जो जारिंग रो मेडिकल कॉलेज वर्तमान गोटे प्रकार भूतकोटी हो पड़ रहा तापर पर जितेबले जो ये समस्या को लेकिन विभिन्न समय आंदोलन आंदोलन है जो भंगाबारी ठारे जो आउ गोटे मेडिकल कॉलेज उद्घाटन पर मुख्यमंत्री निजे आसी से शिलान्यास करके जाते तो वर्तमान गोटे जहाँ प्रश्नवाची सृष्टि जो मेडिकल कॉलेज कलाहांडीवासी स्वास्थ्य सेवा से मानते शुभ उद्घाटन कर शिलान्यास कर किंतु ता आज वर्तमान गोटे प्रकार अनिश्चितता भितर को चली जाइए स्मृति लग्न कहीं जो पाखापाखि 350 कोटी टंकार जो 250 कोटी टंका गवर्नमेंट तरफ 100 कोटी टंकार जो वेदांत तरफ जो गोटे एमओयू होता ता वर्तमान एमओयू मैंने चुक्ति बातिल होती सरकार बातिल करदे तो निहाती भाव में यह कि गोटे प्रकार जो मेडिकल कॉलेज को लेकिन गोटे प्रकार अनिश्चितता देखा दे स्वास्थ्य सेवार सुनेली स्वप्न देखे सरकार एवं वर्तमान परिस्थिति रे ये स्वप्न भांगी जाए पूर्व मध्य जो कथा आपण कहते 2009 रे मेडिकल कॉलेज रे पिला नाम लिखाई थे मेडिकल कॉलेज परवर्त मुहूर्त चली नाला जहाँ वर्तमान भूत कोठी पड़ी पुणे थे स्वप्न देखा आरंभ करते जिते मुख्यमंत्री निजे मेडिकल कॉलेज पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करते पूर्णच्छेद स्वप्न भांगी जा लोक मैंने सीधासल कौन प्रतिक्रिया आपन रखुंट ना निश्चित भाव में देखो तो, स्मृति लग्ना जिते बड़े ये सब जिनस पुणी जो एमओयू कैनसल होती नहीं कि मैंने मैंने अनेक अनिश्चितता देखा देखिए सीधा सड़क स्थानीय बासिंदा अच्छा बुद्धिजीवी अच्छा आम से सहित तो आलोचना करवाजे ये जो जो एमओयू स्वाक्षर होता है ता बर्तमान बातिल सहित आलोचना करवा सर ये वेदांत सहित जो मेडिकल कॉलेज जो भंगाबारी एमओयू होता ता बर्तमान बातिल सर कौन आपको रिएक्शन रही सर देखो कलाहांडी कलाहांडीवासी इच्छा अति शीघ्र मेडिकल कॉलेज हो दीर्घ दिन एटा एवं से जारिंग गोटे होता जेकोसी कारणवशत से पारानी दीर्घ दिन है पब्लिक रो प्रेसराइज जो गवर्नमेंट भंगाबारी रे आसी चीफ मिनिस्टर निजे आसी उद्घाटन कर दुखर कथा हूँ जितेबले 5G रे सरकार बहुत जोर दौंती 5G अनुसार नेचुरली सब कम जदि हुआ तो बहुत सुंदर भाव में सब आगे चलता यही मेडिकल कॉलेज लास्ट मोमेंट रे वेदांत को अति आगर काढ़ कथा आपन जदि प्रोग्रेस देखिए तेल वेदांत प्रोग्रेस आद्य हो पारना एवं यहाँ आगर से एमओयू बंद करार खारज करार अति शीघ्र जमी जे कर एंड ऑलवेज गवर्नमेंट जदि यहाँ करता बहुत भल हाँ आउ जहाँ शुणा को मिलूँ PWD को दिखाई तो अति शीघ्र 5G अनुसार इन टाइम जोटा अच्छी कलाहांडीवासी हृदय यहाँ
एटा को अति शीघ्र सरकार निज हाथ को नहीं एटा जदि कार्यकारी करिवे आ टाइम शेड्यूल उपरे जदि करिवे बेटर हबो आशा मु जणे कोलाहांडी रो संतान हिसाब से एतके फील करूची जे एमओयू बातिल द्वारा केबे भी मेडिकल कॉलेज बंद हेबनी मेडिकल कॉलेज शेड्यूल टाइम रे हेबो सेतेपे सरकार सतर्क है टाइम शेड्यूल रे करबा उचित बोली मोर मन आ विश्वास शुणुले जो बुद्धिजीवी थे से भी जहाँ कहते हैं कथा बोल कि सर कौन कह बर्तमान जो कह जो ये जो एम ओयू स्वाक्षर होता कैनसल है जो जारिंग जो मेडिकल कॉलेज होता पीपीपी मोड्रे सेलबम चैरिटेबल ट्रस्ट होता है और डब्ल्यूडीसी मध्यम ताकि होता है भूतकोटी पलटिगला पाने जो भाया हिसाब से पाठ पढ़ा कथा से कौन पाठपढ़ा हो पारानी यहाँ बर्तमान ये जो घटना घटला अनिश्चित भितर ये जो जारी मानने भंगाबारी मेडिकल कॉलेज को एम ओयू मैंने कैनसल आपण माने भल भाव जानिथिबे जे कोलाहांडी जिला गोटे पछुआ जिला अनुन्नत अंचल से कोलाहांडी सब बुद्धिजीवी मिसी सब राजनैतिक दल लोक माने मिसी आमे स्वास्थ्य सेवा को सजाड़ीबार पई 2009 मसीहारु आंदोलन कलु एवं 2009 मसीहारे जारिंग पाखरे जूनागढ़ जारिंग पाखरे सरदार सेलभम चैरिटेबल ट्रस्ट नारे गोटे एमओयू चुक्ति हला एवं सेथिरे डब्ल्यूओडीसी 25 कोटी टंका देथिला एवं जागा देथिला 2009 रु 2017 पर्यंत मेडिकल को कार्यक्षम करी परले नाही तार परे परे आमे फेर आंदोलन कलु जे सरकार याकु गोटे सरकारी मेडिकल कॉलेज घोषणा करंतु किंतु कले नाही 2018 परे परे राजनीतिक अभिसंधि को नहीं करी मुख्यमंत्री निजे आसिकी एटी शिलान्यास कले जे एटी माने वेदांत 100 कोटी देबो एवं राज्य सरकार 250 कोटी टंका देबो एभलिया गोटे चुक्ति कले एवं सबु पेपर रे मीडिया रे कहले जे आमे याकु शीघ्र कार्यक्षम करदेबु मेडिकल कॉलेज को किंतु आज पर्यंत हेला नाही 100 रु 150 कोटी टंका मास्कु कोलाहांडी जिल्लार आंध्रा को जाउची वाल्टर को जाउची रायपुर को जाउची भुवनेश्वर को जाउची कटक को जाउची सेतिपाई कोलाहांडीर बुद्धिजीवी एवं सबु राजनैतिक दलर लोक माने आमे मिसी आंदोलन करथिलु एवं सरकार को कहिथिलु जे सरकारी मेडिकल कॉलेज कोलाहांडी जिले रे करो किंतु आज पर्यंत कले नाही एवं राज्य सरकार सबु बेले दोहा नीति अवलंबन करुछंती एवं राज्य सरकार सबु बेले कोलाहांडी जिला को प्रतारणा देइछंती सरदार राजा मेडिकल कॉलेज हो एवं आजिरो मेडिकल कॉलेज मु आसीबे आपन को पाखु को राज्य सरकार सब बेले कोलाहांडी वासी को प्रतारित करिसेंती ये प्रतिक्रिया सामना को आसुथला मैडम विनीता दास एडवोकेट समाज से भी वर्तमान जोड़ी होइसेंती मो सहित मैडम स्वागत करू छी आपन को अर्गस न्यूज को किभली भाबरे देखंती ये खबर को जेतले दान माझी कथा सामना को आसिला सरकार जो आंतरिकता देखेले सरकार जो तत्परता देखेले लागिला बोधे कोलाहांडीर चित्र बदली जीव लोक माने देखुथबा स्वप्न खूब जल्दी सत हेबो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे इमाने बहुत आगो को जिबे किंतु 2018 मार्च 27 रे वेदांत सहित चुक्ति होई काम आरंभ हेबा पर मध्य एबे पुनच्छेद पड़ी छि 2021 रे केमती देखुछंती मुटी भाबे देखिबा को गले तो कोलाहांडीर कोनोसी डेवलपमेंट एबे पर्यंत हेई नाही मेडिकल कॉलेज सरदार राज मेडिकल कॉलेज जो जारिंग रे थिला सेठी जो पिला माने स्टूडेंट माने जो पढ़ीथिले से मानकर भविष्य तो एबे कोन होई छि से माने तो एबे घरे बसी छंती ना संपूर्ण बेकारी एबे जो चुक्ति करिसंती माननीय मुख्यमंत्री कि मेडिकल कॉलेज हबो काई कोनोसी दिगरु लागुनी कि मेडिकल कॉलेज कोनोसी प्रकार हो पारिबो कारण जदि कोनोसी गुटे रास्ता घाटर डेवलपमेंट हो पारुनी जो जगार से जगार कौन मेडिकल कॉलेज माने करिवे कोनोसी प्रकार रे भी लागुनी कि मेडिकल कॉलेज हो पारिबो कि ए माने किछि फंड दे पारिबे कारण आज पर्यंत जेते बले आमे हेडक्वार्टर रे अछू भवानीपटना हेडक्वार्टर रे अछू सेठी दानमाझी बुढ़िया केस हो जाऊ सेठी केते केस होची आमो निजो आखिरे आमे देखुचू एबे पर्यंत कोनोसी आमको मेडिकल फैसिलिटी मिली पारु नाही समस्त जहार पैसा अछि जहार ताकत अछि से सिना बाहर को जाई पारिबो गरीब दुखी आदिवासी लोक से जीवो कुआडे जदि मेडिकल कॉलेज हुआंता बहुत भलो हुआंता किंतु लागुनी के मेडिकल कॉलेज हेई पारिबो सरकार आज पर्यंत कोलाहांडी को पछ रे देखी चंती आगु को मध्य देखिबे ये कोनोसी प्रकार डेवलपमेंट हेई पारिबोनी कि मेडिकल कॉलेज मध्य ए माने बने पारिबेनी ए माने आगु को जो निर्वाचन अछि से निर्वाचन पई
ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛବି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ। ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଯୋଉ 5G ର ସରକାର କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ଟାଇମ କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବିକାଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାମ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। କୋଉଠି 5 ବର୍ଷର କାମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଅନୁଭବ ସେମାନେ କରିବେ ବା ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ, କାରଣ ଯୋଉ 5G କରେଇଛନ୍ତି, 5G ର ଅର୍ଥ କଣ? ସେମାନେ ତ 5G ର ତାଙ୍କେ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ କରେଇଛନ୍ତି ନା। ଯୋଉ 5G ର ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ହୋସ ଆସୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଥିଲେ, ଅଚାନକ ଏମାନଙ୍କୁ ହୋସ ଆସୁଛି। ଏମାନେ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଖାଲି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ରହି ଆସିଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାୱାରରେ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କଣ କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଜବାବ ଦଉନାହାନ୍ତି। କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସେ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଜନା ବି ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ ତଳେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ତଫାତ ରହିଛି, ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ସରକାର କେବେ ଦୂର କରିବେ? ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କାରଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ବି ଦୂର ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତ ହଲେଇକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଜି ଭୂତକୋଟି ପାଲଟି ନଥାନ୍ତା, ସେଇଠିର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବେକାରୀ ବସି ନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ, ସେ ଆସିକିରି ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ତାଙ୍କେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାୱାରରେ ରହିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଖଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ପାୱାର ଏବଂ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ବିନୀତା ଦାସ ଆଡଭୋକେଟ ରହିଥିଲେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଶବନ୍ତ, ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ରାଜନୀତି, ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତି ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ କାମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବିକାଶ ଆସିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଉଟି ଦେଖୁଛୁ, ବିକାଶ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ ରହୁଛି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁମତି ଲଗଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆଉ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର କଥା, ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଜାରିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ କିଛି ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ହିଁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା ଯଦି କହିବା ଆଜି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନେକ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛି। ସାର୍, କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ନେବାର ଲାଗି, ରାଜନୀତି ଫାଇଦା ନେବା ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବେଦାନ୍ତକୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଥିଲା, ଯଦି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ
पुणी कहीं कैनसल करते सरकार योजना अच्छी प्रति जिले में हेडक्वाटर मेडिकल कलेज हाँ कथ तो आम चाहूँ जो सरकार मेडिकल सरकार हॉस्पिटल को मेडिकल कलेज घोषणा करवा कथा तो सरकार निजर फायदा नहीं निजर पैसा आत्मसात करवा लगी से जो योजना कर कलाहांडीवासी आम सहयोग कर पार्न जेहतु मेडिकल कलेज जारिंग हबार बंद कले भंगा भर कर लगे योजना कले एमओ कैनसल कर तो कलाहांडीवासी स्वास्थ्य सेवा पाइबार बहुत वंचित होती जोटा कि आम वाल्टियर रायपुर विशाखापाटना निर्भर करुँ जो आर्थिक संबल कलाहांडीवासी ना तो कलाहांडी सरकार जिते शीघ्र पार्टी सरकार निजे ग्रहण करूँ आ मेडिकल कलेज या करूँ आर कलाहांडीवासी को स्वास्थ्य भारत रक्षा करूँ सर आउ गोटे कथा जो आम जो कह जितेबले जो एमओयू कैनसल है सर आउ गोटे जो एमओयू कैनसल है जो कंपनी सहित होता है वेदांत कंपनी सहित सहित ठीक ठाक भाव में किभ भाव में आलोचना कराइला ये जो एमओयू होता कि आउ गोटे कथा जो कह जदि सरकार तो एमओयू होता है वेदांत सहित आज पर्यटन पूर्ण हो पारे और सरकार केवल फंड रू कि भाव में यहाँ करें देखंतु आज्ञा व्यक्तिगत भाव में मोर पूर्ण बोले विश्वास अच्छी आई हाव ए स्ट्रंग कन्विक्शन अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट स्वास्थ्य हो किंबा शिक्षा व्यवस्था हो दुईटी विषय वस्तु को सरकार जदि निजर प्रत्यक्ष परिचालन रे नियंत्रण न करिवे ताले जत दिन पर्यंत आम प्राइवेट पार्टी को सहयोग कर सब काम नौ से प्राइवेट तार निश्चित भाव व्यवसायत्मिक बुद्धिटा को खटेब आ सी तार केते लाभ सेठू से नहीं पार से चेष्टाटी कर आपणकर गरीब जनसाधारण स्वार्थ साधन से ताद्वारा हो पार ना तेणुक प्रकार जो गोटे परिस्थित होती हठात शुणिलु एमओयूटा कैनसल होगा तो तार विकल्प कौन अच्छी बर्तमान सुधा कलाहांडी कौन सी लोक जापारी ना जे से कलाहांडी जो मेडिकल कलेज टी होगा कथ 250 कोटी टाँग खर्च होकर बिल्डिंग होजा एकमत जे निश्चित भाव में कलाहांडी कलाहांडी मेडिकल कलेज टी हम किंतु केते दिन रे हम से जो 100 कोटी टाँग वेदांत देव ना बाकी टाँचा किए दब तार निश्चित भाव में आम पाखे गोटे विकल्प हवा दरकार आ जनसाधारण डिमांड कर कलाहांडी जे सरकार ही गोटे भल 500 बेडेड हो 600 बेडेड जिते बेडेड हो सरकार ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जे जदि एमओयू वर्तमान चुक्ति कैंसल होईची तो परवर्ती मुहूर्त रे कोठी मेडिकल कॉलेज हबो एवं कलाहांडी रो को जागा को बछा जाउची मेडिकल कॉलेज हबा पई जदि मेडिकल कॉलेज हबो समय केते निर्धारण करा जाउची ये डिटेल रे जहां डाटा रहीची बा तथ्य रहीची सरकार एबे प्रतिश्रुति नहु संपूर्ण तथ्य जनसाधारण को दियंतु ये दाबी सामना को आसुथला बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत अमर प्रतिनिधि कलाहांडी रही थे लगातार भाव में आम आलोचना करूँ जे कलाहांडी बसी स्वास्थ्य को नहीं देखी सुनेली स्वप्नर बास्तवता केते रही सीधा सड़क आप ग्राउंड रु देखुले समय होउछि न्यूज रूम लाइव को रखा मत विदाय दिंतु नमस्कार।